कोलन हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई इवेंट और अवार्ड फंक्शन करवाए जाते हैं, जहां पर स्टार्स अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक के साथ रेड कारपेट पर उतरते हैं। वैसे कोई इवेंट हो या फिर अवार्ड फंक्शन, सभी स्टार्स एक दूसरे से बेहतर दिखने की कोशिश करते हैं। हाल ही में रविवार रात को हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2018 के ब्लू कारपेट पर नजर आए। इस इवेंट में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और स्टाइल डीवा रेखा समेत कई खास स्टार्स शामिल हुए। इस अवार्ड में दीपिका डिजाइनर फाल्गुनी की वाइट पीकॉक फ्लोर लेंथ गाउन पहने हुए नजर आईं। उनका हॉट और बोल्ड लुक देख वहां मौजूद सबकी आंखें फटी रह गई। अपने लुक को उन्होंने सिल्वर बेल्ट, तनिष्क ज्वेलरी और मेकअप से कम्प्लीट किया। दीपिका ने इस इवेंट की एक शेयर की है, जिसमें रेखा उन्हें एंटरटेनर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी देती दिख रही है। उनकी ड्रेस के आगे फ्रंट कट था, जिसमें से उनके हॉट क्लीवेज साफ नजर आ रहे थे। इवेंट के दौरान उनके बोल्ड और सेक्सी अवतार ने तहलका मचा दिया। वहीं शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत की बात करें तो मीरा यहां शांतनु और निखिल की स्टाइलिश साड़ी में नजर आईं। तस्वीरों में इस बार मीरा पति के बिना ही अकेले कैमरे के सामने पोज देती हुई नजर आईं। उनके लुक को देख इवेंट में सभी मौजूद लोग हैरान थे। वैसे दीपिका काफी ग्लैमरस लग रही थी, लेकिन मीरा के आगे उनकी ब्यूटी थोड़ी फीकी पड़ी और सारे अवार्ड की लाइमलाइट मीरा ने अपने नाम कर ली। सभी उनकी खूबसूरती की बेहद तारीफें करते हुए नजर आए। बता दें कि इस अवार्ड फंक्शन में कृति सेनन, अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन नंदा, करण जौहर, राजकुमार राव, नुसरत भरूचा, यूलिया वंतूर, पूजा हेगड़े अवार्ड नाइट का हिस्सा बने। इस इवेंट में कैटरीना कैफ की बहन इसाबेल भी बेहद खूबसूरत लग रही थीं।